कामनी प्रकर सत्म सुकल्प प्रेक्ष लक्ष्याव्रते ससुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। अरे 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 क्या? मुझे लड्डू दो ना। अभी नहीं। क्यों? अभी पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद खाएंगे। मम्मा, मैंने तो इसको कहा ही था कि पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे फिर खाएंगे, पर इसको समझ कहाँ आती है। चलो चलते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, ठीक है? चले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। त्योहार एक ऐसा समय होता है जिसमें आनंद होता है, खुशियाँ होती हैं, मंगल गान होता है, और संस्कृत में त्योहार को उत्सव कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा, और इस शब्द उत्सव में उत का अर्थ है मिटाना, खत्म होना, नाश होना, और सब का अर्थ है सांसारिक दुख, चिंताएं और परेशानियां। अतः उत्सव एक ऐसा पर्व होता है जो हमारे दुख और परेशानियों को दूर करता है, मिटाता है। तथा एक कहावत भी है संस्कृत में कि मानव उत्सव प्रियः, यानी हम मनुष्यों को उत्सव मनाना, खुश होना बहुत अच्छा लगता है। इससे तो किसी को भी इनकार नहीं हो सकता, जिंदगी में सारी जद्दोजहद ही इसी चीज की है। इसलिए हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के त्यौहार जश्न लोग मनाते हैं, सामाजिक मेलजोल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुशियाँ अधिक समय तक ठहरती नहीं, और हमें सब कुछ झूठा दिखने लगता है, दिखावा लगता है, भ्रममय लगता है। धार्मिक उत्सव भी मनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केवल ऊपर से, बिना उस उत्सव के, उस पर्व के सही अर्थ को, सही तात्पर्य को समझे बिना। तो अब यदि बात करें दिवाली की, तो ये त्यौहार सारी दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जहां सामान्यतया हम सभी का ये मानना है कि ये त्यौहार, ये उत्सव पटाखों का, मिठाइयां खाने खिलाने का और नए कपड़े पहनकर खुशियां मनाने का है, तो वो सब भी ठीक है, अपनी जगह सही है, तथ्य है। लेकिन यदि थोड़ा गहराई से देखें तो हमें यह भी जानना चाहिए कि इन उत्सवों का सच्चा अर्थ, इनका तात्पर्य क्या है, क्या महत्व है इनका। जैसे दीपावली शब्द से ही हमें मालूम होता है कि दीपों का त्यौहार, इसका शाब्दिक अर्थ है दीपों की पंक्ति, दीप और अवली। इस संधि से बने दीपावली में दीपों की चमक से ही अमावस की काली रात भी जगमगा उठती है। और दिवाली का सर्वाधिक दृश्य पहलू जो है वो है प्रकाश, दीपक, ज्योति। दिवाली मनाते समय हम सभी अपने घरों को दियों से सजाते हैं, मोमबत्तियां, लाइट, लड़ियां लगाते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, खिड़कियों पर, छतों पर, दरवाजों पर, सब जगह, जो देखने में अत्यंत ही आकर्षक लगता है, मनोरम, सुंदर लगता है। तो यहां पर इस प्रकाश का क्या अर्थ है? प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के विरोधी हैं, प्रतिकूल हैं। जहां प्रकाश हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, वहीं अंधकार हमें रोकता है। अंधेरे में हम अपना हाथ भी नहीं देख पाते, आगे क्या बढ़ेंगे, कैसे चलेंगे। ठीक ऐसे ही ज्ञान वो प्रकाश है जो जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है, जबकि अज्ञान में हमें कुछ भी सूझता नहीं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार परम प्रकाश, परम ज्ञान है भगवान, उनको जानना, भगवत ज्ञान और उनका प्रेम। और भगवान के प्रति ये प्रेम जागृत होता है उनके स्मरण से, उनके विषय में श्रवण करने से, प्रार्थना करने से, उनके दिव्य नामों का जप करने से। और जब इस तरह से हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम का दीप जगमगा उठता है।
और फिर हमारे जीवन में कहीं कोई अंधकार नहीं रहता। तो फिर चाहे जीवन में बाहर कितनी मुश्किलें आए, कितना ही अंधेरा छा जाए, परंतु हृदय अंदर से प्रेम और भक्ति से जब प्रज्वलित है तो उस भीतरी प्रकाश से हम अपने जीवन के कठिन और अंधकार समय को भी आसानी से पार कर जाते हैं। इस तरह बाहर दीपों को प्रज्वलित करना अंतर्मन में हृदय दीप के प्रकाश का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है। तो इसीलिए जब भगवान 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या आए तो अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी को दीपमाला से सजा रखा था। घरों को अंदर से बाहर से, दरवाजों पर, छतों पर, खिड़कियों पर, हर तरफ। और ये अयोध्यावासियों के हृदय का ही दृश्य प्रस्तुत करता था। इसी प्रकार दीपावली पर हम भी दियों को जलाते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल बाहरी रूप से दियों को जलाना ही इस त्यौहार की परंपरा नहीं, कोई रिवाज नहीं, वरन इसकी भावना है कि हम स्वयं को, अपने हृदय को भगवत भक्ति से, उनके प्रेम से आपूरित कर ज्ञान और प्रेम का एक ऐसा दीप जलाएं जो सदा ही जगमगाए और कठिन परिस्थितियों में, यानी बाहर पूरी तरह अंधेरा होने पर भी अपनी लौ से सदैव ही हमें रास्ता दिखाए। और वही श्री राम जब वनवास के बाद अयोध्या आते हैं तो दीपावली सजाकर उनका स्वागत किया जाता है। इसलिए बाहरी रूप में दिवाली मनाने के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से दिवाली मनाने का अर्थ है कि हम सभी अपने हृदय को अयोध्या बनाकर प्रभु श्री राम को उनके नाम रूप गुण व लीलाओं के रूप में उसमें आमंत्रित कर विराजित कर लें। तब भगवान श्री राम हमारे हृदयों के अंतःकरण में दीपक के रूप में प्रकाशमान हो जाएंगे। तो आइए हम सब भी प्रयास करें कि अपने हृदयों में आत्मसमर्पण, तपस्या और शांति के दीपक जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत करें व हमारे इस जीवन को भगवत प्रेम के शाश्वत उत्सव में परिवर्तित कर सकें। कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, ई पुण्य को राधारानी। तो इस तरह आप सब भी अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाइए और घर के बाहर दियों को जलाने के साथ साथ अपने हृदय में भी भगवान के प्रेम का दीपक जगमगाइए और खुशियां मनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्ण तव और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।